हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें डिप्लोमा बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा और लास्ट में वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके एप्लीकेशन प्रोसीड्योर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 13th October 2021 से और एप्लीकेशन सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 1st November 2021 और एप्लीकेशन फी सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 1st November 2021। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप के लिए, जिसमें आपका मेजर लिमिट 21 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से बीटेक या तो डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 21 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 3 वैकेंसी निकल के आया है, जिनमें से जनरल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 1-1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर फार्मेसी के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 इयर्स लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फार्मेसी में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका टोटल वैकेंसी 4 निकल के आया है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 इयर्स लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकल के आया है, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 इयर्स लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकल के आया है, जिनमें से ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 21 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है, जिनमें से जनरल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 21 इयर्स से लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकल के आया है, जिनमें से ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए, जिसमें एज लिमिट 32 इयर्स से लेके 65 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन करके रखे हो और उसके साथ अगर आपका 10 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आया है, जनरल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 इयर्स लेके 40 इयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है फोरमैन के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 18 इयर्स लेके 40 इयर्स रखा गया है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ आपका कंप्यूटर टाइपिंग पे नॉलेज होनी चाहिए। टोटल 3 वैकेंसी निकल के आया है, जिनमें से जनरल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है अकाउंटेंट, क्लर्क और कैशियर के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग बीकॉम करके रखे हो और उसके साथ अगर आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है स्टोर कीपर के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन करके रखे हो और उसके साथ अगर आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है स्टोर कीपर, जिसमें आपका एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें अगर आप लोग डी फार्म करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 1 वैकेंसी है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कम ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी कंप्यूटर कोर्स करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 4 वैकेंसी निकल के आया है, जनरल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और एससी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जिसमें एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। अगर आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपका एज लिमिट 18 ईयर्स लेके 40 ईयर्स तक रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग 12th क्लास पास किए हो और उसके साथ अगर आपका कंप्यूटर पे नॉलेज है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 1 वैकेंसी है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट अगर आप लोग यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आप लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, बट अगर आप लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो उन लोगों को एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 500 रुपीज रखा गया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 250 रुपीज रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में यहीं पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, बट जितना मुझे लगता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, बट जैसे जैसे एप्लीकेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर भी चेंज हो सकता है। एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसीड्योर इसमें क्या होगा वो आपको ईमेल आईडी या तो एसएमएस के थ्रू पे बाद में बता दिया जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर बेसिकली यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। आपको इसी वेबसाइट में जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ कैसे इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कितना सैलरी मिलेगी वो यहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, बट जितना मुझे लगता है इसमें आपको सैलरी 25,000 से लेके 35,000 पर मंथ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसके बाद में आप लोगों को वेबसाइट में जाके दिखा देता हूँ कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इसी लिंक पे आना है। इसी वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग फर्स्ट देख रहे हो कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ क्लास 3 कॉन्ट्रैक्चुअल। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लेफ्ट साइड में एक पैनल दिया हुआ है, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपका ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद आपको आपका पासवर्ड चूज कर लेना है, उसके बाद आपका नेम फिल करना है, नेक्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ जेंडर आपको फिल करना है, उसके बाद आपको आपका फादर्स नेम मदर्स नेम यहीं पे फिल करना है, नेक्स्ट आपको आपका मोबाइल नंबर यहीं पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करके आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसको आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है।
तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स, नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स, यही नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।